अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? आज ईद मिलादुन नबी है और मैंने मेकअप किया, देख लो। ये देखो, पहले मैं ये बताती हूँ मैं मेकअप किया, वो तो एक सेकंड पार्ट है। मैं सुबह से बहुत बिजी थी और मैंने, पता है, आज वाइट बिरयानी बनाई, वाइट चिकन बिरयानी। मसाला तो खूब रहता है उसके अंदर लेकिन दिखता नहीं, लेकिन खाने में टेस्टी बड़ी होती, इतनी मज़ेदार होती है ना। चलो पहले रेसिपी देख लो आप लोग, फिर बाद में बात करती हूँ मैं ये मेकअप की। ओके, मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से आप लोगों से। पूरी रेसिपी देखना, और बहुत बोलते ना तो थोड़ा सा लंबा लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर अच्छी बिरयानी खानी है तो पूरी रेसिपी देखना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चिकन वॉश करके ले लिया है। ये चिकन है आधा किलो और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने आलू लिए है, आलू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हो तो मत ऐड करना। और यहाँ पे मैंने दो कांदे, दो अलग तरीके से कांदे लिए हैं, तो एक जगह पे मैंने ये प्लेट में दो बड़े कांदों को स्लाइस में काट लिया है। और ये बाउल में आप जो देख रहे हो, ये चार बड़े कांदों को मैंने पीस के रखा है, और मतलब जाड़ा जाड़ा ही पीसना है। और यहाँ पे मैंने बघार के लिए और चावल में डालने के लिए कुछ गर्म मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, कमल फूल और लौंग। और यहाँ पे मैंने एक साइड पे गरम मसाले को पीस के रखा है। ये गरम मसाला पाउडर में आप अपने पसंद का गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिरी, दालचीनी, छोटी इलायची, जावित्री फूल, कमल फूल और ज़ीरा लिया है। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर और पुदीना का पेस्ट बना के रखा है। और ये जो है, ये है बादाम का पेस्ट। आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, मगज की बीजें भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बादाम लिया है, क्योंकि बादाम मैंने माशाल्लाह से अच्छी क्वांटिटी में लिया था। और यहाँ पे मैंने पुदीना और कोतमीर गार्निशिंग के लिए काट के रखे हैं, जो मैं ऊपर से डालूँगी। और यहाँ पे मैंने आधा किलो दही भी लिया है, लेकिन ये आधा किलो पूरा नहीं जाएगा बिरयानी में। और ये है जायफल का पाउडर, जो मैंने मार्केट से आज ही मंगाया है, और आप घर में पीस के भी डाल सकते हैं। और ये जो है, ये है बादाम का पानी, वो जिसमें मैंने भिगा के रखा था, जिसको मैं अभी यूटिलाइज़ कर लूँगी, फेंकूँगी नहीं। और ये है चावल आधा किलो। तो देखिए, बादाम को मैंने एक घंटे के लिए भिगा के रखा था पीसने से पहले। आप ये क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, इसमें काजू, मगज, जो आपको ऐड करना है कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम का यूज़ किया है। और मैंने एक लेमन का जूस निकाल के रखा है। तो यहाँ पे मैं टोप चढ़ा चुकी हूँ, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं ये ऑनियन को फ्राई करूँगी, पहले जो मैंने दो काट के रखे ना उसको फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि ये जो मैंने पुदीना और कोतमीर आप लोगों को बताई ना गार्निशिंग के लिए, तो ये ऑनियन भी गार्निशिंग में ही जाएगा। लेकिन इसको हमें पूरा लाल नहीं करना है, जैसे दूसरी बिरयानी के लिए हम पूरा ब्राउनिश ब्राउनिश करते हैं, वैसे नहीं करना है। सिर्फ इसके ऑरेंज होने तक के आप हम लोगों को ये पकाना है। जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे ही निकालना है। अगर ये पूरा लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो बिरयानी का टेस्ट अलग हो जाएगा। और ये बिरयानी में हमारे दूसरे धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की बिल्कुल भी नहीं मतलब डालने वाली हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बघार में तेज पत्ता, एक कमल का फूल और कुछ लौंग ऐड कर दिए। मैं ज़्यादा खड़े मसाले बिरयानी में भी नहीं डालती, आपने देखा होगा, मैं पीसने में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने वो ग्रेट किया हुआ ऑनियन, जो मैंने जाड़ा जाड़ा पीसा था, वो ऐड कर दिया है। अब इसको हिलाते हिलाते हमें इसका कलर बदलने तक के पकाना है, जब तक ये ऑरेंज नहीं हो जाता, मतलब पिंकिश सा नहीं हो जाता, तब तक पकाना है। इसका पूरा कच्चापन निकल जाए, इसकी जो कच्चेपन की जो खुशबू होती है वो चले जाए, तब तक हमें इसको हिलाते हिलाते पकाना है, ताकि ये कहीं से भी लगे नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना, ऐसा बहुत टेस्टी बनती है ये बिरयानी। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे अलग अलग किस्म की बिरयानी बनाने आती है, वो मैं वक्त के साथ जब जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अपना जो मैंने चिकन वॉश करके रखा था वो, और आलू वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक स्वाद के अनुसार। आप ये याद रखना, आप चावल में भी अलग से नमक डालने वाले हो तो उस हिसाब से। और यहाँ पे मैंने ये अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर और पुदीने का जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। मिर्ची भी अपने स्वाद के हिसाब से लेना, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग लाल मिर्ची की बुक्की का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। अगर बिरयानी में तीखापन थोड़ा भी कम लगता है तो आप आगे अक्खी हरी मिर्ची काट के ऐड कर सकते हो।
उसके बाद मैंने ये जो गरम मसाला पीस के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाले को भी अच्छी तरीके से मिलाना है और फिर अब इसको ढक के हमें पकाना है जब तक चिकन 50% कुक नहीं हो जाता और ऑयल नहीं छोड़ देता मसाला, मतलब पूरी तरह से चिकन का पानी सूखे तक के अभी इसको ढक के पकाना है। तब तक मैं यहाँ पे अपने चावल चढ़ा लेती हूँ दूसरे साइड पे। चावल को मैं धो के अच्छे से भिगा चुकी थी आधे घंटे पहले, अभी मैं उसमें पानी ऐड कर रही हूँ और उसके अंदर मैं जो मैंने तेज पत्ता और कमल फूल और लौंग बचा के रखी है वो मैं ऐड कर दूँगी। आप कुछ और एक्स्ट्रा गर्म मसाले खड़े उसमें डालना चाहते हो चावल में तो ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा नहीं किए, मैंने जो किया पीसने में कर लिया। और यहाँ पे अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, वो गरम मसाले ऐड करूँगी और दो हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड करूँगी। इससे क्या होता है चावल में भी थोड़ा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा तीखापन आ जाता है, क्योंकि जो हम अभी इसमें बादाम का पेस्ट डालने वाले हैं ना उससे एक अलग मिठास आती है मसाले में, तो चावल में थोड़ा सा तीखापन रहना तो मज़ा आ जाता है बिरयानी खाने में, तो ऐसा है। और यहाँ पे मैं अभी वो चावल में एक चम्मच तेल भी ऐड करूँगी। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि जब हम लेमन का जूस निकालते हैं तो उसका जो छिलका होता है ना वो भी डाल दिया कीजिए वो चावल में, तो चावल खुले खुले हो जाते हैं। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने वो छिलका फेंक दिया, ध्यान से निकल गया था कि वो रखना है, तो खैर आप डाल देना। और यहाँ पे मैंने अभी चेक किया मसाले ने तेल छोड़ दिया और चिकन 50% कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा पानी सूख चुका है। मतलब इस तरह से हमें ये बिरयानी बनानी है। वो जो मैं बिरयानी बताई थी आपको दम बिरयानी कल अम्मी की, आप लोगों ने रेसिपी देखे तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बिछी हुई एक बिरयानी होती है वो एक अलग चीज़ है, देगी बिरयानी वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग है। तो ऐसा है, यहाँ पे मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है, 1.25 किलो के ऊपर मैंने अभी दही ऐड किया। आपने देखा मैंने पूरा चिकन कुक होने मतलब चिकन पकने भन मसाला भूनने के बाद दही को ऐड किया है। दही को भी अभी हमें अच्छे से मिलाना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि दही को फटना नहीं देना हमको, नहीं तो दही फट जाता है। जब उसमें बुलबुले उठते हैं ना, दही उबलने लगता है ना, तब दही नहीं फटता, तब तक हमें चलाते रहना है। उसके बाद आप उसके अंदर, मेरे को थोड़ा मसाला तीखा नहीं लग रहा था ज़्यादा, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा हरी मिर्ची ऊपर से ऐड कर दी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर स्टार्टिंग में आपको मिर्ची कम लगे, आपने पीसते वक्त पे कम डाली है, तो बाद में आप काट के ऊपर से ऐड कर सकते हो। तो ऐसा है, अभी इसको 2 से 4 मिनट ऐसे ही भूनना है, उसके बाद कुछ नहीं इसके अंदर मैं वो ऐड कर दूंगी, अपना जो बादाम का पेस्ट मैंने बना के रखा है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वो जायफल का पाउडर, मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन तब तक आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और है ना लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको पता चलता है कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, पसंद करते हो। तो जो वीडियो पर ज़्यादा लाइक आते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये वीडियो या इस जैसा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसा है। और यहाँ पे मैंने ना जो चावल पकाने के लिए चढ़ाए थे ना उसमें से मैंने ना जो 20% कुक हुए चावल है ना फर्स्ट उबाल में, वो मैंने पहले थोड़ा सा एक कटोरे में निकाल लिया है और बाकियों को मैं पकने दे रही हूँ जब तक वो 50% कुक नहीं हो जाते। और ये मैंने आधा कुक चावल क्यों निकाला है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं बादाम का पेस्ट ऐड कर चुकी हूँ और इसको पकाना नहीं है अब बादाम के पेस्ट को, इसलिए मैंने अभी डाला है। और उसके बाद मैं जायफल का पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि बादाम का पेस्ट हमेशा याद रखना पूरा मसाला कुक होने के बाद डालना। बादाम, काजू, मगज कुछ भी हो, ड्राई फ्रूट्स हो गए तो वो चिपकते हैं टोप को, तो इसके लिए ये चीज़ का ख्याल रखना, ज़्यादा नहीं पकाना ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये जब ज़्यादा पकने लग जाते ना तो कड़वाहट छोड़ने लगते हैं, तो ऐसा है उसकी मिठास ख़त्म हो जाती है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो आधे कुक किए हुए चावल थे ना जो 20% बनाए थे, ये मैंने पहले डाले हैं मसाले पे और उसके बाद में इस पर एक परत बिछा रही हूँ कोथमीर की और कांदे की और वो पुदीने की, उसके बाद मैं वो जो 50% कुक हुए हुए चावल है वो ऐड करूँगी। इसके पीछे मकसद ये है
क्योंकि मसाले में पानी होता है और हम 50% कुक पूरे चावल एक साथ डालते हैं, तो जो मसाले के ऊपर के चावल होते हैं ना 1 इंच, वो चिकट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से डालेंगे ना चावल, तो वो चिकट नहीं होंगे क्योंकि वो पहले ही कम कुक हुए हुए, तो वो इक्वल रहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक के एक साइज़ में पकेंगे। तो ऐसा आई होप कि मैंने सही से समझाई। और यहाँ पे क्लिप है ना मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने ये जो दूसरी परत पे गार्निशिंग की ना वो मैं दिखाने में दिक्कत आ गई। और यहाँ पे मैंने एंडिंग पे दम पे रखने से पहले इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है, तो आप वो ज़रूर से ऐड करना। और अब मैंने बिरयानी को दम पे रख दिया है, और ये बिरयानी को दम करने के लिए सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे, बिकॉज चिकन भी 50% कुक है, चावल भी 50% कुक है, तो चावल को पकने के लिए दम पे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसा है, तब तक वो दम होता है जब तक मैं अपने जो बेडरूम को क्लीन कर रही हूँ, इसकी बेडशीट चेंज कर दूँगी और थोड़ा घर साफ़ कर लेती हूँ, और जब बिरयानी दम हो जाएगी तब मैं नहा के निकलूँगी। तो ऐसा है, उसके बाद मुझे खीर भी पकानी है, एक्चुअली खीर भी बनानी है, और घर में छोटी इलायची अभी नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दी, मुझे ऐसा लगा था कि ना छोटी इलायची घर के अंदर है दूसरे डब्बे में होंगी, मैं अपनी गलतफहमी में थी, वो छोटी इलायची नहीं है। और बाबू भी अभी घर में नहीं है, वो आज संडे है ना तो मैच खेलने गए हैं। तो ऐसा है, और अभी मैं ये क्लीन करके जा रही हूँ खीर बनाने। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस पे ना दूध रख लिया है, दूध को बॉईल करने तक के मैं यहाँ पे चावल निकाल रही हूँ, बासमती चावल जिसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी, और ज़्यादा चावल नहीं लेती मैं मतलब अगर 1 लीटर दूध है तो मैं 50 ग्राम चावल लेती, सिंपल सा फंडा है मेरा। तो चावल को मैं सूखा ही पीसती हूँ, क्योंकि मैं जब भी भिगा के चावल पीसती हूँ ना गाँटे बन जाती खीर में, तो मैं सूखा चावल पीस लेती हूँ, और पीसते पीसते वक्त ही मैं इसके अंदर बादाम ऐड कर देती हूँ, मतलब जितना बादाम मुझे ऐड करना होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो बादाम भी उसमें ऐड करके मैं पीस देती हूँ। तो ऐसा, तो इससे क्या होता है खीर का टेस्ट डबल हो जाता है, बादाम और चावल की खीर बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि जितना जाड़ा मुझे चावल चाहिए उतना है कि नहीं, क्योंकि ना इसको पाउडर बनाना है ना एकदम अक्खा अक्खा रखना है, मतलब दरदरा रखना है, क्योंकि है तो बासमती चावल जो मैंने अभी बिरयानी में ऐड किए वही वाले चावल है जो कि मैंने लास्ट टाइम मंगाई थी, तो थोड़े बच गए थे। तो जब वो बिरयानी में इतने फूलते तो खीर में कितने फूलेंगे, तो इसके लिए उसको मैं पूरा दरदरा करे तक के पीसती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें स्लोली 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 ये दूध जब उबल जाएगा ना तो उसमें ऐड करूँगी। तब तक मैं साइड में ऊपर से खीर में डालने के लिए काजू बादाम काट लूँगी। तो ऐसा है, अभी इंतज़ार करूँगी दूध में उबाल आने का। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गया, और दूध में उबाल आने के बाद चावल नहीं ऐड करना है, थोड़ा दूध को पकने देना है, जितना दूध है उसका 10% कम होना चाहिए दूध, इतना उसको पका लेना है। और ये जो टोप के आजू बाजू किनारियों पे जो दूध लगता है ना सूख के, उसको भी चम्मच से निकालते रहना है, वो एक हिसाब से पता है क्या काम करता है, वो बल्ली मलाई बोल रही हूँ, देखो मैं क्या नाम है उसका, रबड़ी रबड़ी जैसा टेस्ट थोड़ा सा खीर में आने लग जाता है। तो ऐसा, और यहाँ पे मैं ये चावल को एकदम स्लो मतलब एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा डालूँगी हिलाऊँगी, इस तरीके से मैं चावल डालूँगी, तो एक भी गांठ नहीं आएगी, एक भी लम्स नहीं पड़ेंगे खीर में। अगर मैं इसको पूरा एक साथ डाल देती ना तो एक हाथ तो गांठ आ ही जाती थी खीर के अंदर। और पता है मेरे हाथ की खीर अब्बा को बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है अब्बा को मेरे हाथ की खीर। लेकिन देखो ना आज मेरे पास इलायची ही नहीं है, अभी मैं इलायची ऐड करती थी अगर मेरे पास होती तो। इलायची भी है ना पूरी पीस के कभी खीर में नहीं डालना, दरदरी रखना इलायची, क्योंकि जब खीर खाते हैं ना तो जो दरदरी इलायची मुंह में आती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो देखिए एक भी लम्स नहीं पड़े मेरे खीर में, अभी तो खैर मैंने सिर्फ चावल ऐड किए, आप लास्ट तक देख लेना एक भी गांठ नहीं आएंगी मेरे खीर के अंदर। तो ऐसा है, अब देखिए चावल पकने की कगार पे आ चुके हैं, और मैं अभी भी इसको हिलाते ही रहूँगी, इसको उबलने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी,
और साइड की किनारियों के जो दूध लग रहे हैं टोप पे वो भी छुटाते रहूँगी साथ में। तो ऐसा है, जब चावल पूरे कुक हो जाएंगे तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शक्कर। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, मीठा तो मीठा, मीडियम तो मीडियम। खैर हम तो थोड़ा मीठा ही खाते हैं हर चीज़, तो मैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो अभी चावल अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, लेकिन इसको मैं पकाते पकाते सुखा दूँगी, इतना पतला नहीं रहेगी ये खीर, थोड़ी गाढ़ी रखती मैं खीर को। तो यहाँ पे मैं शक्कर ऐड कर दे रही हूँ, और शक्कर ऐड करने के बाद भी मैं इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही हटाऊँगी, आउटाऊँगी। तो ऐसा है, और ये खीर पे मैं नियाज दिलाऊँगी। तो ऐसा, और पता नहीं आप लोगों में से 2-3 लोग ऐसा बोलते हो कि मैं टेस्ट कर ली, खाने को झूठा कर दी। एक्चुअली मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, मैं देख के फील करती हूँ चीज़ों को, लेकिन आप लोगों को कैमरे में दिखता नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ। आपको सिर्फ ये लगता है मैं चम्मच पे उंगली मार रही हूँ, चम्मच में से कुछ तो उठाया, लेकिन किस लिए उठाया वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं लग पाता है एक्चुअली, इसलिए कुछ गलत समझते हैं। तो ऐसा है, और यहाँ पे मेरी बिरयानी कुक हो चुकी है और खीर भी रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को बिरयानी बताती हूँ। चावल देखिए, चावल कैसे खुले खुले पके, और मसाला दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बिरयानी का। ये देखिए क्या मसाला माशाल्लाह से बेस बना है, और टोप पे ज़र्रा भी नहीं लगा, आप यकीन मानो। देखिए मेरा टोप, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिखा भी होगा आप लोगों को, ज़र्रा भी मसाला नहीं लगा टोप को। और मसाले से चावल भी एकदम खिले खिले से है, और मसाला भी अच्छे से है बिरयानी में, जिस तरह से होना चाहिए, और ऑयल की भी कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से बिरयानी बना के देखना, खाना, ट्राई करना, पसंद आया तो उसके बाद ही बोलना कि अच्छी लगी बिरयानी, देख के मत बोलना प्लीज़ खा के बोलना। मैं तो खा चुकी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बहुत टेस्टी थी, सबको अच्छी लगी बिरयानी। ओके, तो ऐसा है, लाइक तो बनता है ना प्लीज़। तो देखिए, तो देखिए आप लोगों ने बिरयानी भी बड़ी अच्छी थी और खीर भी बड़ी अच्छी थी। मैंने तो पेट भर के खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरा काम हो गया ना मगरिब से पहले, मैं पूरी फारिग हो गई, दोनों टाइम का खाना बना लिया मैंने। तो मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, तो मैंने मेकअप भी कर लिया, और मेकअप मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लिपस्टिक भी बड़ी अच्छी लग रही है, आई शेडो भी अच्छा लग रहा है, मस्करा भी अच्छा लग रहा है, काजल भी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या था पता है, आईब्रो पेंसिल है, एक वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल है, ब्राउन कलर की मैंने मंगाई है। हाँ, रिव्यू पर्पज से ही आया, लेकिन मैंने किया है तो वो आई है, वो मैं अपने हॉल में शेयर करूंगी क्या है कैसे है। वो वाली ना ब्राउन वाली पेंसिल है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी, उससे इतना इजी हो जा रहा है ना आईब्रो बनाने के लिए। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे मैंने ये मेकअप किया ना, जिन सारे प्रोडक्ट्स से मैंने ये मेकअप किया ना, सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेंशन मत लो, नो फिकर। आप लोग चेक कर लो मैंने क्या क्या लगाया, कौन सा आई शेडो लगाया, कौन सा आई लाइनर लगाया, कौन सा काजल लगाया, कौन सा ब्लशर लगाया, कौन सा क्या लगाया, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का फाउंडेशन भी देखिए मेरी स्किन के साथ एकदम प्रॉपरली जा रहा है, हर एक चीज़। अरे मेरे टोन वालों के लिए तो अभी बेफिक्री हो गई है, नाजाबाजी जो भी लगाएंगे, चलो लिंक तो मिल जाएगा। एक्चुअली कैसा ना, आप लोग भी अगर कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं ना, किस चीज़ का रिव्यू दो, तो मुझे शेड बता दिया करो। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे भी वो चीज़ ढूंढने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। अभी किसी ने बोला था पर्पल के फाउंडेशन का रिव्यू दे दो, अब मुझे शेड मुझे खुद का ही नहीं पता, तो मैं कैसे आप लोगों के लिए मंगवाऊँ वो, और कैसे रिव्यू दूँ। ऐ शेड बता दो ना कि मेरी स्किन पे वो शेड जाएगा, तो मैं एकदम मंगा लूँ फटाफट से और आप लोगों को रिव्यू दे दूँ, तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा, तो खैर वो हॉल वाला वीडियो तो बिंदास बोले तो नाजिया पे आएगा। ये जो मैंने मेकअप किया है ना, इसके बारे में बता रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ऐसा है, और हाँ, 12 वफ़ात, ईद मिलादुन नबी, आज के दिन देखिए, पहली बात तो है ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन होता है ये, इसमें बहुत सारी दरूद शरीफ पड़ी जाती है, बहुत, जो दिल करे वो दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास वसीले से हमारी दुआ कबूल होती है। ओके, हमेशा होती है उनके वसीले से हमारी दुआ, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करता ही है। तो ऐसा है, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है, थोड़ा रुक के सही, थोड़ा लेट सवेर, थोड़ा लेकिन हो जाती है। तो ऐसा है, तो और ये 12 वफ़ात के दिन पता है, हम लोग है ना, एक अरसा पहले, मतलब 8-10 साल पहले की बात बताऊँ ना, तो मेरे अब्बा जो है ना, हम लोग है ना जरी वाले हैं, जरी का काम करते हैं हम लोग, मतलब जरदोजी, जो हाथ का काम होता है ना, हैंडवर्क जिसको बोलते हैं, तो ये हम लोगों के कारखाने हुआ करते थे।
हम लोग है ना कि इस दिन को बहुत ज्यादा ही दिल से मनाते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब दिल से मनाते हैं, क्योंकि एक तो ये है हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन, और ऊपर से हम जरी वाले, और जरी वाले इसे और शौक से इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई की भी मतलब हमारे हाथों से किए हुई जो काम होता है ना जरी का, उसकी चादरें, उसके झंडे, उसके पर्दे यूज किए जाते थे, तो मतलब गर्व होता है हम लोगों को, फख्र होता है कि हम जरी वालों के कलाकारी की चीजें, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो, लेकिन है इतना बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, दुगनी खुशी होती है हम लोग को दुगनी खुशी होती है, तो अगर जरी वाले ना भी हो तो खुशी है, और जरी वाले है तो दुगनी खुशी हो जाती है। एक वक्त पे ना अब्बा है ना 100 किलो मिठाई, या 100 किलो मिठाई किसको बोलते, सिर्फ बांटने के लिए लाते थे 100 किलो मिठाई, सिर्फ बांटने के लिए बारह वफात के दिन, अपने कारीगरों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए, गली चाली वालों के लिए, तो ऐसा है, तो इसलिए हम लोगों को खुशी होती है बारह वफात। अभी की सना अभी जरी का काम अभी अब्बा बंद किए ना काफ़ी साल से, तो खैर अभी फिर भी बारह वफात बिना मिठाई के आए हुए घर में अधूरा अधूरा लगता है, मिठाई तो आती ही है। आज देखो मेरे घर में मिठाई नहीं आई, करके मैंने खीर तो बनाई, लेकिन फिर भी देखना रात से पहले मुझे मिठाई खाने मिल जाए, शायद हो सकता है मैं अम्मी की तरफ जाऊँ तो मुझे मिठाई खाने मिल जाए, ये भी होगा क्योंकि मैं अभी अम्मी की तरफ जाने वाली हूँ, उनको भी बिरयानी देखो मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाई, मैंने कम ही बनाई, लेकिन मेरे घर में जब भी कुछ नया बनता है तो नया या कुछ भी अच्छा बनता है तो मैं टेस्ट के लिए तो एटलीस्ट लेके जाती हूँ अम्मी लोग के उधर पे, ताकि उन लोग भी टेस्ट कर लो। वैसे तो मैंने अम्मी को बोली थी कि अम्मी मैं वाइट बिरयानी बना रही हूँ, आओगे क्या कल सब लोग यहाँ पे मेरे घर पे खाना खाने के लिए, तो शायद अम्मी लोग कहीं पे थोड़े कामों में बिजी थे इसलिए अम्मी ने मना किया, बोले नहीं बेटा अभी तो फिलहाल तू बना के खा ले, बाद में कभी देखते। लो मैंने कितना सारा सब कुछ कितना एक साथ फटाफट बोल दी ना, हाय कैसी हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मैं रट्टा मार के बैठी थी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा है ना कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिरयानी की जो रेसिपी बताई हूँ वो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है कि उसके बाद मुझे बात करने का टाइम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली। और हाँ, मेकअप कैसा लगा प्लीज़ बताना, बहुत ट्राई करती हूँ मैं आप लोगों के लिए नए नए लुक लाने को। हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि ना रेड आई शेडो, रेड ब्लशर, रेड लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाना, तो देखो मैंने बनाई, लेकिन ये प्रॉपरली रेड नहीं है, आप इसको ऑरेंज बोल सकते हैं, तो ऐसा है। मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया ना फेस को इतना फ्लॉलेस बनाने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप चेक कर लेना। और ऑफर फ्लैट 50% चालू है, फ्लैट 50% किसको बोलते हैं बॉस, एक बार चेक करना और उठा लेना अपने पसंद का जो आइटम आपको उठाना है, तो ऐसा है। चलिए फिर मैं अम्मी के इधर चलती हूँ और अभी बिरयानी निकालते हैं अम्मी के लिए, हैं चलो। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई थी और यहाँ मैं चाय पीऊँगी थोड़े टाइम से, तो मैं यहाँ पे अम्मी के लिए बिरयानी लेके जा रही ना, मतलब टेस्ट करने के लिए, सबके लिए टेस्ट करने के लिए, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने देखे आप लोगों ने आधा किलो चावल और आधा किलो चिकन की बिरयानी बनाई, लेकिन मेरा ना बोलते ना दिल नहीं भरता जब तक मैं अपने घर वालों को टेस्ट नहीं करा दूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने वो डब्बा जो स्टील का बताया ना उसके अंदर मैं खीर ले रही हूँ और इसके अंदर मैं बिरयानी ले रही हूँ, तो ऐसा है। और उसके बाद मैंने पता है आप लोगों को मैं ये वॉइस ओवर रात के 3 बजे कर रही हूँ, 3 बज रहा है अभी, और रात के 1 बजे अम्मी का कॉल आया था कि बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी तू, अब्बा अभी खाना खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं वो तेरे बिरयानी की। एक्चुअली कैसा ना, मेरे अब्बा ना खाने के बड़े शौकीन हैं और मेरी अम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाए है, बट खाने में क्या कम है क्या ज़्यादा है बिना देखे मेरे अब्बा मुझे बता देते हैं कि बेटा तूने इसमें ये गलती की है। और मैंने खाना बनाना और या मेरी अम्मी ने मुझे खाने में एक्सपर्ट किस तरह से किया है मैं बताऊँ, इसके पीछे एक सीक्रेट है। अब्बा कोई भी होटल में, बड़ी से बड़ी मशहूर होटल में खाना खाते थे ना, अगर उनको पसंद आता था ना तो वो हम लोगों को खाना खिलाने लेके जाते थे और हम लोग को क्या बोलते थे पता है, नोटिस करो इसमें कौन सा मसाला है, और हम लोग जब तक नोटिस नहीं करते थे ना तब तक वो खिलाते थे। तो उस हिसाब से हम लोगों को आदत हो गई है खाने को टेस्ट करके पकड़ने की कि उसमें क्या मसाला है और क्या नहीं है, उस हिसाब से अब्बा भी पकड़ लेते हैं फटाफट से, तो ऐसा है। और यहाँ पे उज़्मा आप लोगों को अपने हाथ की मेहंदी दिखा रही है, मेरी बेटी आ चुकी है अम्मी के इधर से, तो वो भी कुछ बात करेगी आप लोगों से। पीछे ऐसे बताओ, फिर से एक बार आगे,
आगे अच्छे से हाथ खोलो हाथ खोलो हाथ खोलो। लाइक करो, बोलना सबको, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल मिलेंगे वापस। इधर देख के बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, बोलो अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। लाइक करके जाना, हाँ नहीं तो क्या। चलो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कल के व्लॉग का इंतजार करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। चल बहुत पका लिए, चल अपन में। मुझे मेरी आँख अच्छी लग रही है।